आज तो मैंने सोच लिया इतनी ज्यादा साइकिल चलाऊंगा कि पूर की पूरी पूरी की जॉन सीना जैसी बॉडी बना दूंगा ये क्या बार से नया अरे ये तो कोई शोरूम लगता है अब इधर नया शोरूम कब खुल गया मैंने तो देखा नहीं चलो देखते हैं इनके पर कौन कौन सी गाड़ी है वैसे मेरे पास गाड़ी खरीदने के पैसे तो नहीं है पर यार देख तो लेते हैं और का देख सकते हो तो कितनी तगड़ी, तगड़ी तगड़ी गाड़ी गड़ी है सामने मुझे बुगाटी दिख चुकी है और सामने फरारी भी दिख चुकी है ये शोरूम तो बहुत ही खतरनाक है अरे मुझे बताना ये बुगाटी की प्राइस क्या है अरे आइए ये है क्या लगता है मैं, आपकी तरह गरीब, मैं गरीब नहीं हूं मैं यहां पे गाड़ी खरीदना है वो भी सारी की सारी तो लो पैसे बा, 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 मुझे तो करने दे। तो सारी गाड़ी खरीदोगे अरे सारी गाड़ी नहीं मतलब देख अरे मुझे पता है आपके पास एक रुपए भी नहीं है और मैंने देख लिया साइकिल हाँ तो क्या हो गया ना कभी तो खरीदूंगा एनी फेंकी मैं कभी नहीं खरीद

करने वाला सुबह शाम दिन रात बारिश हो या चाहे कुछ भी हो मैं सारा का सारा मेडिटेशन करूंगा और मैं बन इतना अमीर की, मैं पूरे के के को पैसा क्यों करती है पैसे पे क्यों मरती है days later. तो आखिरकार वो दिन आ चुका है मुझे मिल चुके मेरी शक्ति जिससे मैं सिंह के शोरूम को पूरा का पूरा खरीदने वाला हूँ क्या आप मेरी शक्तिया देखना चाहोगे यहाँ से मुझे रोड पर जाने का

शोरूम के अंदर चलते हैं और सिंचाई का शोरूम पूरा का पूरा खरीद लेते हैं एक सेकंड मुझे खरीदना क्यों है? अभी तो और मजा आने वाला है अब देखो मैं क्या करता हूँ को को किसी को नहीं मैं ये क्या कर रही हूँ पूर ये क्या कर रहे हो मेरे में आ चुके बहुत शुक्रिया तुमने मुझे बाहर भगाया था ना अब देख मैं क्या क्या करूंगा मेरी कैडी खराब हो रही है तो कहे सर आप देख सकते हो मैं क्या क्या कर सकता हूँ एक तो मेरे कपड़े चेंज हो गए और इसकी पूरी की पूरी गाड़ियों को मैं कन्वर्ट करने वाला एक भंगार में मैं सारी की सारी गाड़ियों को एक कचरे की गाड़ी में कन्वर्ट कर दूंगा मतलब वो कभी चल नहीं पाएगी तो उसका तो तो सारा का सारा बिजनेस बंद हो जाएगा किसी को नहीं छोड़ूंगा वे वे क्या चैन अब तो मैंने चालू कर दिया है ओम कोल्ड क्रीम सारी गाड़िया बन जाए आइसक्रीम आप देख सकते हो मैंने सारी की सारी गाड़ियों को कचरे में कन्वर्ट कर दिया मैंने बोला था मुझे में सारी की सारी गाड़िया हो गई कचरे में बॉडी गार्ड अरे बॉडी गार्ड को क्या बुला रहा है अब तो मैं खुद जा रहा हूँ अब तो अपने कचरे वाली गाड़ियाँ बेचता रहे बाय बाय से बात करते हैं देखिए उसका बिजनेस कैसा चल रहा है उसने बैंक का लोन अभी तक नहीं दिया जल्दी से तुम्हारे

और सिंचन कैसे हो बिजनेस कैसा चल रहा है अंकल बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है और, तो और जिससे तुम ये शोरूम खरीदा उसका बैंक का लोन अरे वो वो, तो मेरे पास पैसे नहीं है अरे क्या पैसे नहीं है तुमने तो बोला बिजनेस अच्छा चल रहा है अरे बिजनेस अच्छा तो अच्छा चल रहा था अभी नहीं चल रहा है और ऐसा नहीं चलेगा सिंचन आज क्या पैसा चाहिए मुझे वरना ये खाली करो अरे अंकल रुक जाओ ना एक साल के लिए क्यों एक साल ये क्या एक सेकंड ये कचरे की गाड़ी क्यों बेच रहे हो क्या कर रहे हो तो में शोरूम में एंकल वे मुझे नहीं पता शोरूम अभी क्या भी खाली करो एंकल रुको तो सरी अरे अंकल ऐसा मत करो मेरा शोरूम मत मतलू अब बहुत लेट हो चुका है या तो अभी पैसे दो वरना ये शोरूम हमारा हो गया अरे अंकल मेरी बात तो सुनो नहीं, नहीं 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 हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। ये वाला शोरूम मैं खरीदूंगा। खरीदूँगा कौन, कौन है मैं हूँ ये वाला शोरूम मुझे खरीदना है आप खरीदोगे आइए आइये पैसे आपके पास अरे पैसे बोलो कितने चाहिए अरे चार मिलियन डॉलर हाँ हाँ चार मिलियन है मेरे पास हाँ तो ले लीजिये फिर शोरूम हाँ तो ठीक है मैं आपको यार चार मिलियन देता हूँ और ये आज से शोरूम मेरा होगी आप सबका स्वागत है हमारे नए नए शोरूम गैलेक्सी में की आपके पास गाड़ियाँ कैसी लाओगी गाड़िया तो मेरे पास नहीं है ये तो मैंने सोचा नहीं था पर मेरे पास पैसे हैं तो मैं गाड़िया अभी खरीदने वाला हूँ तो गाय सर अभी मैं खरीदने वाला हूँ बहुत सारी गाड़िया अपने शोरूम के लिए क्यूँकी मेरे पास यार एक भी गाड़ी नहीं है सारा सारा कचरा पड़ा है उनको बाहर फेंकवाएंगे और सारी की सारी गाड़िया मैं खरीदने वाला हूँ ये वाली गाड़ी भी खरीदती है देख लेते और कौन कौन सी गाड़ी यहाँ पे तो बहुत सारी गाड़ी है एक काम करता हूँ एक एक सारी मंगा लेता हूँ क्योंकि यार हमारे शोरूम में नए नए बहुत सारी गाड़ी आ जाएगी तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा और बहुत सारे कस्टमर भी आएंगे तो फटाफट से सारी की सारी गाड़ियां ऑर्डर कर लेते हैं एवी की पैसे मत कर रे मुझे अपने शहर रख लो मैं तेरे को नहीं रखने वाला सिंघचैन तू यहां से जाए जा ऐसे तूने मुझे भगाया था ना अब मैं तेरे बताता हूं बॉडीगार्ड इसको अंदर मत आने देना एवी पैसे मत करो अबे जा ना ऐसे

चड्डी में ए, मैं चड्डी में कैसे आ गया अरे वो सब छोड़ो मुझे तुम्हारा शोरूम खरीदने क्या तुम्हारे पास तो खुद का शोरूम है ना मेरा क्यों खरीदने अरे तो मेरे को एक और चाहिए देना शोरूम अरे ऐसे कैसे दे तू अरे ऐसे कैसे कि चाबी भी दे, दे ये शोरूम आज से मेरा अरे नहीं मैं तुम्हें नहीं देने वाला ये शोरूम मुझे दे, दे। नहीं दूंगा दे दे नहीं दूंगा अरे लगता है इसको बताना पड़ेगा तुम कहीं सर मैंने सोच लिया ये वाला शोरूम तो मैं खरीद के ही रहूंगा कैसे भी करके अरे मैं तुम्हें तो नहीं खरीदने दूंगा अच्छा अभी बताता हूँ मैं कैसे खरीदूंगा तो कहीं सर इसको बताते हैं हमारी शक्तियाँ और हम इस पूरे के पूरे शोरूम को खरीदने वाले थ्री टू वन

पूरे के पूरे दो दो शोरूम एक पहले वाला और एक वाला दोनों पे अब हम राज करेंगे तो शोरूम वोरूम तो बहुत खरीद ली, अब मैं खुद के लिए गाड़ियां खरीदने आइए सर आपका स्वागत है हमारी कंपनी में यहाँ पे सारी सारी आपको गाड़ियां मिलने वाली है दस करोड़ से लेके सौ करोड़ तक जो गाड़ी चाहिए ले लीजिए अरे यहाँ ठीक है ठीक है तो कहे सर यहाँ पे मिलने वाली है वाले बहुत ही महंगी महंगी प्रीमियम गाड़ियां और आपको तो पता है कैसे लेने वाला हूँ पैसे मैं इनको एक रुपया देने वाला कौन नहीं देगा गाड़ी बताओ मुझे अरे सर ये क्या कर रहे हो ऐसे पैसे देखे करो ना पैसे वैसे नहीं है मेरे पास सारी सारी गाड़ियां फ्री में खरीदने वाला हूँ तो कहे सर अभी आप देख सकते हो सारे सारे बॉडी गार्ड्स को मैंने मार दिया और ये सारी की सारी गाड़ियां मैं अपने नए नए घर पे

इतनी देर से मैं आपको बोल रहा था कि मैंने घर लिए घर लिए पर मैंने लिया है पूरा का पूरा एक आइलैंड क्योंकि मेरे पास इतनी खतराक सकती आई तो मैं कुछ भी कर सकता हूं तो कहीं सर मैंने ले लिया पूरा का पूरा बड़ा सा आइलैंड और एक प्राइवेट यॉट और हेलीकॉप्टर्स वो सब अभी आपको दिखाने वाला वालों अभी हम आ गए यहाँ पे बोर्ड पे अपने आईलैंड पे ये लॉस एंडोज से बहुत दूर है मतलब बहुत ही तगड़ा वाला आइलैंड है तो अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं देख सकते हो ये हमारा खुद का प्राइवेट आइलैंड पीछे हमारी यॉट खड़ी है और यहाँ पे बड़े बड़े गार्डन है आप देख सकते हो कितना ज्यादा बड़ा ये आईलैंड है यहाँ पे हम पार्टी कर सकते हैं खाना खा सकते हैं पानी पी सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं मतलब यार बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला घर हमने बनवाया है पे तो चलते हैं अंदर आपको यहाँ पे घुसते हैं अंदर पहले बड़ी सी घड़ी लगी हुई है ये हमारा छोटा सा प्यारा सा किचन जहाँ पे सारा का सारा खाना बनता है और यहाँ पे टेलीस्कोप लगा हुआ है जहां पे हम रात को मस्त मस्त तारे चांद देख सकते हैं और यहाँ पे बड़ा सा टीवी लगा हुआ है बड़ा सा सोफा यहाँ पे बैठ के कोई भी मूवी देख सकते हैं आपकी सबसे फेवरेट मूवी कौन सी फटाफट से कमेंट करके बता दो वो यहाँ पे बैठ के देखेंगे यहाँ पे थोड़ी सी आग

आ चुके ऊपर वाले फ्लोर पर, पर सामने भी सामने शीन भी दिख चुका है तो यहाँ पे भी, भी देख सकते हो तो इतना बड़ा सा सोफा लगा हुआ है पे शिंचन बैठ के एक्शन का देखता है अरे मुझे पता है ये आइलैंड बहुत ज्यादा खतरनाक है मैं को को मैं कहना दीदी को बुला सकता हूं। अरे हाँ जिसको चाहे बुलाना है फिर तो नैनी और सबको बुलाऊंगा अरे यहाँ जिसको चाहे बुलाना बोले तो गाइस इधर चलते हैं हमारा एक और छोटा सा बाथरूम यहाँ पे सारे सारे कपड़े भी हमारे पड़े और देखते हैं पास वाले रूम में क्या यहाँ पे हमारा यार पूल टेबल है जहा बैठ के पूल खेल सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हो ये जूस वूस पड़े जूस ये

इधर हम पार्टी कर सकते हैं और पूरे के पूरे लॉस एंटो में भी जा सकते हैं इस पूरे यार्ड को घुमाते हुए और अभी मैं जाने वाला हूं गोल्डन हेलीकॉप्टर में यहां पे तो मैंने अलग सा एरिया बना रखा है।, है तो फटाफट -पड़ से इसको थोड़ा सा उड़ा लेते हैं तो जब तक मुझे कमेंट करके पता था इस आइलैंड पर हम और क्या क्या रख सकते हैं हमारी गाड़ियां भी यहां पे डिलीवर होने वाली है और यहां से रोड बना लो लॉस क्योंकि मजा आ जाएगा रोड बन जाएगा तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाएगा